जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं हमारा ऑल इंडिया नीट टेस्ट पेपर नंबर 11 और टॉपिक है हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे एसपी सिंह सर का मिशन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, और इसी मिशन के तहत हम लोग ये पेपर डिस्कशन लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको थर्मोडायनेमिक्स का ये पेपर देखने में अच्छा महसूस हुआ होगा, और जहाँ तक हम लोग की कोशिश रहती है कि एनसीईआरटी से ही हमारा पेपर है, तो उम्मीद है कि एनसीईआरटी से आपको मिला होगा। अगर कोई डाउट हो किसी तरीके का तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आइसोथर्मल एडियाबैटिक डिफरेंट प्रोसेसेस दिए हुए हैं और रिलेशन पूछा गया। असल में बेसिकली ये आपने क्वेश्चन किया होगा, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग पुटअप कर लेते हैं और फिर उसमें हम लोग सिचुएशन लगाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जनरल इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस में हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं। तो बच्चा पहले देखो, आइसोथर्मल सिस्टम दिया, तो आइसोथर्मल सिस्टम में आप सब जानते हो डेल्टा यू इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो यहाँ ज़ीरो लिख दोगे तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये वाला रिलेशन तो सही है। अब ये रिलेशन सही है, लेकिन आगे देख लें कहीं ऑल ऑफ दीज ना हो, ऑल ऑफ द अबव है भी इसमें ऑप्शन, तो आगे चेक करना बनता। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू ज़ीरो होता है, अब क्यू ज़ीरो रखोगे, अगर q इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो डेल्टा u इक्वल टू डब्ल्यू होगा, ये भी सही है। इसका मीन्स है दो ऑप्शन सही हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, तो हम लोग फोर्थ ऑप्शन के लिए साथ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर ये वाला भी चेक कर लेते हैं, तो आइसोकोहरिक प्रोसेस हमको दिया गया, आइसोकोहरिक सिस्टम दिया गया। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा u इक्वल टू q माइनस पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो दैट मीन्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, यानी ये वाली भी बात सही है, तो ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा। एन एडियाबैटिक चेंज अकर्स इन एडियाबैटिक प्रोसेस में, देखिए क्या होता है, क्यू ज़ीरो होता है, क्यू एक्सचेंज नहीं होता, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एनर्जी का लेन देन नहीं होगा, हीट का लेन देन नहीं होगा। अब आपको एडियाबैटिक कराना, तो आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप इंसुलेटेड कंटेनर का यूज़ करिए, यानी आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ये देखिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें डबल वॉल लगी हुई है, बाउंड्री वॉल डबल है, और ये इंसुलेटेड वॉल है, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बाहर और अंदर के बीच में क्यू का लेन देन नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो क्यू है सिस्टम के अंदर, या जो डेल्टा क्यू है, वो ज़ीरो होगी, इसलिए ये प्रोसेस एडियाबैटिक होगा। और या फिर आप बहुत फास्ट चेंज करें, अगर आपको आइसोलेटेड कंटेनर नहीं लेना है तो आप बहुत फास्ट चेंज करें तो भी एडियाबैटिक हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमको एनी ऑफ दी सिस्टम की बात हम लोग कर सकते थे, अगर हम लोग बहुत फास्ट चेंज की बात कर रहे होते, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे वो थर्ड करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो स्लो कर रहे हैं, और वो इंसुलेटेड वॉल होने की वजह से बाहर से क्यू अंदर और अंदर से क्यू बाहर नहीं जा सकता है, इस वजह से हम लोग इसका आंसर करने जा रहे हैं थर्ड, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट देखिएगा 53, यहाँ पर मुझे स्टैंडर्ड एंट्रोपी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिवन है, और मुझसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर मांग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए, आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चाहिए, तो पहले आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। अब जब आप इक्विलिब्रियम पे जाएंगे बच्चा, तो डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा, सब जानते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन आएगी,
टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच आ जाएगा, और ये जो टी इक्विलिब्रियम है ये डेल्टा एच बाई डेल्टा एस के बराबर होगा। अब यहाँ पे सर देखिए, डेल्टा एस तो मुझको माइनस 30 गिवन है, बट डेल्टा एस नहीं पता है। और ये भी देख लेंगे, ये डेल्टा जो एच है वो किलो जूल में दिया गया है, और ये जो हमको एंट्रोपी चेंज दी गई है ये जूल में दी गई है। तो अगर हम एंट्रोपी चेंज जूल में रखना चाहते हैं तो इसको भी 10^30 × 10^3 जूल कर लेते हैं। अब हम लोग इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकाल लेते हैं। डेल्टा एस अगर किसी रिएक्शन का निकालना है तो टोटल एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एस ऑफ रिएक्टेंट फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लोग। अब एक्स वाई थ्री की देखिए कितनी है, एक्स वाई थ्री की 50 है। तो यहाँ पे अगर चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, आपको यहाँ पर कर लेना है एंट्रोपी ऑफ द एक्स वाई थ्री माइनस हाफ एंट्रोपी ऑफ द एक्स टू प्लस 3/2 एंट्रोपी ऑफ द वाई टू। ये आपको इक्वेशन यूज़ करनी होगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स वाई थ्री का वैल्यू रख लीजिए 50 है माइनस, और एक्स टू का कितना दिया है 60, तो ये 60/2 हो जाएगा, और प्लस प्लस वाई टू का कितना दिया गया 40, तो ये हो जाएगा सर 40 × 3/2। सॉल्व करके देखो भैया कितना आ रहा, ये हम लोग कर ले रहे हैं 30 और ये हमारे पास हो रहा है 60, तो 90, और 90 − 50 यानी −40 आ जाएगा। −40 क्या आ जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। इस वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पर लगाएंगे और ये हमारा 40 यहाँ पे माइनस का आ गया, और 10^3 1000 है, 40 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 40 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 1000 में 010 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और 1000 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 250 आ जाएगा। 250 आ जाएगा तो 253 से मल्टीप्लाई होगा तो 750 आ जाएगा, 750 केल्विन आ रहा। अब टेम्परेचर यहाँ पर 750 केल्विन दिया, अगर मुझसे डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो मुझे 273 को और सब्सट्रैक्ट करना पड़ता। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे ऐसे हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमको बॉन्ड एनर्जी गिवन है, और बॉन्ड एनर्जी हमको गिवन है N2 की, HH की, NH की, और मुझे चाहिए एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जब आप बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानते हो और आपको एंथैल्पी चेंज निकालना होता है किसी रिएक्शन का, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वही चीज़ हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर हमको ये इसका डेल्टा एच चाहिए, मैंने फॉर्मूला लगा दिया डेल्टा एच इक्वल टू टोटल डेल्टा बी एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल डेल्टा बी एच ऑफ प्रोडक्ट। बी एच मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी। अब सर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एन टू, तो हमको इसकी जगह पे हम बी ई कर ले रहे हैं, बी ई फॉर बॉन्ड एनर्जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी ई ऑफ एन टू, यानी कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन, उसके बाद प्लस देखिए अब यहाँ पर एच एच कितने 3 हैं, तो मुझे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड एच को। एच बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी मुझे गिवन है, ये एक पार्ट में ले आइए, और माइनस। अब देखो अमोनिया में क्या है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है NH3, इसका मीन्स ये कि वन मॉलिक्यूल अमोनिया में 3NH बॉन्ड हैं और यहाँ पर हमको 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनाने पड़ रहे हैं, इसका मीन्स टोटल NH बॉन्ड 6 होंगे, या फिर आप ऐसे लिख लो 2 × 3 × बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, यानी कि 2 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक अमोनिया में 3 NH बॉन्ड थे
और फिर 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज रिएक्शन में 2 मोल बन रहे थे। अब बस वैल्यू पुटअप करना और ऐड सब्सट्रैक्ट करना, वो ऐड सब्सट्रैक्ट आप करेंगे, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से आपको आंसर दूंगा। तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन की 945 रख दी, प्लस एच एच की 436, तो फिर 3 × 436 कर लिया, फिर माइनस 391 एन एच की है तो ये माइनस 6 × 391। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 945 प्लस 3 6 18, 3 3 9 10, 3 4 12 और 13, माइनस 6 1 6, 6 9 54, 6 3 18 और 23। अब हम लोग ने 5 8 13 कर दिया, 3 4 7 कर दिया और 5 8 13 हो गया और गड़बड़ हो गया, हाँ 13 और 4 और 1, तो 5 और 8 हमारे पास आ गया 13, यहाँ पे आया 150 और ये 9 और 3 12 और 22 53, 23 46। अब इसको सबस्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपका 6 में से 3 गया 3 आ गया, आपका 14 में से 5 गया 9 आ गया, आपका 12 में से 2 गया 12 में से 2 क्या 2 में से 2 गया 0 आ गया और फिर हमारी कहानी समाप्त हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास देख लो भैया, 6 में से 3 गया 3 आ गया और 14 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 0 0, दैट मीन्स 93 आंसर आना चाहिए और आंसर आना चाहिए नेगेटिव में, माइनस 93 किलो जूल ही दिया होगा, किलो जूल। तो देखो भाई, मुझे लगता है कि 54 का फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, आप भी सॉल्व करके देख लीजिए आपका क्या आया हुआ है, 54 का फर्स्ट आ रहा है कि नहीं, ऐसे करेंगे हम लोग। अब अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, खुद ही बता दिया इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, देखो मास क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो ये एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्वांटिटी पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव है, हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है क्योंकि ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन एक हो जाता है, कभी कभी वॉल्यूम की जगह मोलर वॉल्यूम दिया रहता, अगर मोलर वॉल्यूम दिया होता तो इंटेंसिव हो जाता, हीट कैपेसिटी की जगह मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट दिया होता तो भी इंटेंसिव हो जाता, और डेंसिटी तो अपना इंटेंसिव है ही है, क्योंकि जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका वैल्यू फिक्स है भाई साहब, वो तो इंटेंसिव है ही है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का, अब जैसे आइस है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 फिक्स है, आप चाहे 1 किलो आइस को पिघलाओ चाहे 2 किलो आइस को पिघलाओ, तो जिनका वैल्यू कांस्टेंट है फिक्स है वो तो इंटेंसिव है। अब जैसे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो वो 1 ग्राम पर ml ही रहेगी, चाहे आप एक कंटेनर में 1 किलो पानी लो चाहे 2 किलो पानी लो, इस हिसाब से डेंसिटी का वैल्यू फिक्स होता है किसी सब्सटेंस का, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मुझे यही पता करना है कि कौन एक्सटेंसिव नहीं है, ये सर एक्सटेंसिव था, ये भी एक्सटेंसिव था, ये भी एक्सटेंसिव था। तो अब 56 क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 56 में मुझसे पूछ रहा है इन द फॉर्मूला ऑफ क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी क्या है, तो एम क्या है पहले तो समझो बेटा, एम है आपका मास, मास अगर आप ग्राम में लें या किलोग्राम में लें वो डिपेंड करता है आपको, ये सी कैसे दिया गया, तो सी आपका स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। कई जगह पर इस फॉर्मूले को Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी के फॉर्म में दिया रहता है, सी से बच्चों को लगता है कि ये हीट कैपेसिटी होगी, तो अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी में ये मोलर हीट कैपेसिटी वगैरह यहाँ पे हम लोग ले सकते थे, तो यहाँ इसको स्पेसिफिक हीट कहना ज़्यादा उचित रहेगा इन कंपेरिजन टू हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी कहना, तो हम लोग इसको स्पेसिफिक हीट मानेंगे, 56 का फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे,
इन द फॉर्मूला ऑफ क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी, व्हाट इज़ द सी नोन एज, जैसे कि अभी अभी अब देखो पिछले क्वेश्चन का जो डाउट है वो अगले क्वेश्चन में सॉल्व होगा। Q इक्वल टू अगर C डेल्टा T फार्मूला है तो ये C हीट कैपेसिटी होगा। Q इक्वल टू C डेल्टा T अगर फार्मूला है तो ये हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी फार्मूला होगा। C इक्वल टू हीट कैपेसिटी होगा। अगर Q इक्वल टू एन सी डेल्टा T है, एन अब भैया क्या आ गया, मोल आ गया, तो जब मोल की बात आ जाएगी तो ये मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। और अगर Q इक्वल टू एम सी डेल्टा T हुआ, m क्या आ गया, मास आ गया, तो मास के केस में ये स्पेसिफिक हीट हो जाएगी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने किया था। ये सारी बातें मैंने एक जगह पे इसीलिए लगा दी हैं कि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाए। तो इसमें हम लोग को सेकेंड ऑप्शन करना चाहिए 57 का, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। डेल्टा यू इज मेजर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, गलत साहब, ये होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हीट के बराबर होता है, हीट ऑफ द रिएक्शन के बराबर होता है। तो इसलिए डेल्टा यू आपने पढ़ा है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी होता है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट ऑफ द रिएक्शन है वो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू के बराबर है। डेल्टा एच इज मेजर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, गलत हो गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर होना चाहिए था, कॉन्स्टेंट प्रेशर। फिर से आपको याद आ रहा होगा डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी होता है, क्यू हीट ऑफ द रिएक्शन है, पी जो नीचे छोटा सा लिखा रहता है दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, तो क्यू पी ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ द रिएक्शन है। डेल्टा एच दैट मीन्स एंथैल्पी चेंज, मालूम है सब बच्चों को, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अपनी तरफ से जो संभव बात होती है वो आपको बताते हैं। यदि कोई भी ऐसा बच्चा है उसको कोई एक बात नहीं पता, किसी दूसरे बच्चे को कोई दूसरी बात नहीं पता, तो सारी बातें ओके हो जाएं आप लोग की। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट, नहीं भाई साहब, दोनों ही गलत थे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मिलाइएगा आंसर की से क्या 58 का फोर्थ दिया गया है। चलिए एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एंथैल्पी चेंज और रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्शन एंथैल्पी, ये तो कोई बात नहीं हुई, वही बात है, एंथैल्पी चेंज को रिएक्शन एंथैल्पी कहते हैं। हाँ भाई कहते हैं, अगर ये मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2 दिस गिव्स HCl है, तो इनका जो एंथैल्पी में चेंज आ रहा होगा वही हमारा डेल्टा एच या रिएक्शन एंथैल्पी कहलाएगा। रिएक्शन, और मुझे बताना क्या करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल आर करेक्ट भी है तो आगे चेक करना पड़ेगा। रिएक्शन एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड एज अ डेल्टा एच, ये तो बता ही दिया, इसको हम लोग अभी फिलहाल डेल्टा आर एच कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच रिएक्शन टोटल डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल डेल्टा एच रिएक्टेंट के बराबर होता, सर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी कि मुझे करना है फोर्थ वाला ऑप्शन। एकदम सिंपल सरल पेपर बनाया आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो पाए। एसरेशन रीजन, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, एंट्रोपी वगैरह बढ़ रही है, एंट्रोपी कब बढ़ती है किसी रिएक्शन की, सोचो, डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा। डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ जाए तो एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ रही होगी। डेल्टा एन जी निगेटिव आ जाए, एंट्रोपी घट रही होगी। डेल्टा एन जी ज़ीरो आ जाए, एंट्रोपी विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होगा। तो चलो बच्चा पार्टी, हमने निकाल लिया इसका डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी निकालने गए तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट साइड में जी है, गैस है, और कितनी है, टू है, टू रख दिया माइनस, ये सॉलिड है इसको यूज़ नहीं करेंगे या ज़ीरो रख देंगे, ये यहाँ पे वन गैस है तो यहाँ पर ये वन हो गया, यानी कि प्लस वन आ गया। इसका मीन्स है कि एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव होगा,
एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, इसका मीन्स हुआ कि S2 बड़ा होगा S1 से, बिकॉज एंट्रोपी चेंज S2 माइनस S1 होता है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही होगी। जी हाँ, ये सब बातें सही थी, सब बातें मैंने लिख दी, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजिंग, सही है एसरेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस बढ़ रहे हैं इसलिए एंट्रोपी बढ़ रही है, रीज़न भी सही, एसरेशन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। तो 60 का हम लोग ने कर दिया है सेकेंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द डेल्टा एच वैल्यू एज ए एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को आपने बहुत लगाया होगा, जब कभी हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखते हैं और चाहते हैं कि जो रिएक्शन दी गई है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हो, तो आपको पहली बात तो प्रोडक्ट साइड पर वन मोल होना चाहिए। इसमें देखिए प्रोडक्ट साइड पर वन मोल है, बहुत अच्छे, इसमें भी वन मोल है, बहुत अच्छे, इसमें भी वन मोल है और इसमें भी वन मोल है। चलिए सर, तो सब में वन वन मोल आ गया, तो पहली शर्त पास हो गई। दूसरी शर्त यह है कि जो रिएक्टेंट साइड हो वहाँ पर एलिमेंट्स होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एलिमेंट बोले तो एटम होने चाहिए या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं चलेगा, आयंस नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एच टू है, हाफ ओ टू है, चलो भाई ओके हो गया, ये सी ग्रेफाइट है वो भी स्टेबल स्टेट टू एच टू, ये भी ओके हो गया। अरे भैया यहाँ तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया, तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं चलेगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हीट ऑफ रिएक्शन अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर करना चाहते हो तो नहीं चलेगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं चलेगा, केवल क्या चाहिए होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल चाहिए होगा, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो चलते हैं आगे फिर, तो इसका हम लोगों ने आंसर कर लिया ना, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन नंबर था 61। यहाँ पे रीज़न भी बता दिया, यहाँ पर भी चेक कर लो, यहाँ वन मॉलिक्यूल बन रहा और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से या फिर एलिमेंट से बन रहा हो, एलिमेंट या एटम बोल दो, एटम हो, ये सब तो चलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन में, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन में, लेकिन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं चलेगा एट रिएक्टेंट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन की मुझे डेल्टा एच निकालनी है और मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है। तो आप जानते हो कि जब भी कभी हमें किसी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज निकालना हो और मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो, तो मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे मुझे डेल्टा एच निकालनी है, तो डेल्टा एच इक्वल टू लिखूँगा टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड स्टेट में निकालना है तो स्टैंडर्ड स्टेट में ले लीजिए क्योंकि यहाँ सब स्टैंडर्ड स्टेट में दिया गया, माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन कौन है भाई प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट है CaO, तो अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में CaO की रखनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में CO2 की रखनी पड़ेगी प्रोडक्ट साइड में, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 की रखनी होगी। देख लीजिए सबकी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं कि नहीं,
वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। क्या CAO की दी गई है? CAO कहाँ दिया गया? ये -635 रख दीजिए, बस कैलकुलेशन का खेल है सर। -635.1 प्लस आपको प्लस करना CO2 का, तो CO2 का दिया गया है -393.5 और फिर आपको माइनस कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है -1206.9। तो क्या आएगा जल्दी से कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, या आपने टेस्ट पेपर देते समय निकाला ही होगा, आपको आंसर पता भी होगा। तो हम लोग ने ले लिया 635.1 और उसमें ये भी माइनस ऐड कर दीजिए, हमने ले लिया 393.5। ठीक है सर, अब इसको हम लोग ने 1206.9 से सब्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा +178.3, यहाँ पे आ रहा +178.3, सेकेंड ऑप्शन मेरा मैच कर रहा +178.3। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से किया है, आप लोग ने डायरेक्ट किया होगा, हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया हो, मैच कर लीजिएगा। तो 62 का हम लोग ने फाइनलाइज किया सेकेंड आंसर। 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब सर थर्मोकेमिकल इक्वेशन की क्या खास बात होती है? नंबर एक, थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हों सबकी फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड है तो S लिखा होगा फॉर्मूला के बाद, लिक्विड है तो L लिखा होगा फॉर्मूला के बाद। इसके अलावा रिएक्शन बैलेंस स्टेट में होनी चाहिए, जितने भी स्टाइक्योमेट्रिक नंबर हैं वो सब पता होने चाहिए, और साथ में डेल्टा एच का वैल्यू भी पता होना चाहिए, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा, कितना एनर्जी अब्जॉर्ब हो रहा। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन की खास बात है। तो देखो N2GGG पता है, 1-3-2 पता है, एंथैल्पी चेंज भी दिया गया है, तो ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर GGG हाफ 3/2 1 और डेल्टा एच भी पता है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखो इसमें GGG हटा होता, या ये डेल्टा एच नॉट ना दिया होता, या फिर यहाँ पर हाफ 3/2 अमोनिया के पहले कुछ ना दिया होता, तो ये ऑर्डनरी रिएक्शन तो हो जाती, पर थर्मोकेमिकल इक्वेशन इसको नहीं कहते। यहाँ भी GGG है, 1/2 3/2 ये भी है, और इसलिए ऑल ऑफ द अबव है, 63 का फोर्थ हो जाएगा। ये हैस लॉ पे बेस क्वेश्चन है हमारा, और इसमें मुझे ये प्रोसेस दिया गया है, हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, और ए से हम लोग सी जा रहे हैं, और फिर डेल्टा एच वन। तो हम लोग ऐसा करेंगे, ए से सी जाएं, सी से डी जाएं, डी से बी जाएं, तो ये ए से बी जाने के बराबर हो गया। दैट मीन्स इसका ये हुआ अर्थ कि ये जो डेल्टा एच वन है ये एक स्टेप में एंथैल्पी चेंज है, और ये जो डेल्टा एच टू आया, और ये जो डेल्टा एच थ्री आया, और ये जो डेल्टा एच फोर आया, ये मल्टी स्टेप में हीट ऑफ रिएक्शन है। तो मल्टी स्टेप की सारी हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज को ऐड कर लेने पर एक स्टेप के एंथैल्पी चेंज के बराबर आ जाते हैं, ये लॉ कहलाता है हैस लॉ। तो इसमें डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा एच टू प्लस एच थ्री प्लस एच फोर, ये तो मेरा मैच हो रहा है। अब कोई और ऑप्शन तो ऐसा मैच नहीं हो रहा भाई, अगर डेल्टा एच फोर को इधर लाओगे तो माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा है। डेल्टा एच टू को भी लाओगे माइनस होना चाहिए, प्लस लिखा। डेल्टा एच थ्री को भी इधर लाओगे तो माइनस होना चाहिए, प्लस लिखा। सो मेरा केवल थर्ड ऑप्शन ही मैच कर रहा, और कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 65 क्वेश्चन, यहाँ पर टू रिएक्शंस दी गई हैं, और ये थर्ड रिएक्शन की हमें डेल्टा एच निकालना है। इस दोनों रिएक्शन को जोड़कर
ये वाली रिएक्शन का हमें डेल्टा एच निकालना है। मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर टू, ये भी हैस लॉ पर बेस्ड है, इसको डेल्टा एच वन, इसको डेल्टा एच टू कर लिया। अब अगर सी ग्रेफाइट मेरा फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट साइड है और जो सी ओ टू है वो मेरा राइट साइड है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे तो हाफ ओ टू, हाफ ओ टू मिल गए, वन ओ टू मिल जाएगा। ये जो सी ओ है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये सी इधर आ जाएगा, सी ओ टू उधर आ जाएगा। इसका मीन्स ये हुआ कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू करना पड़ेगा। कुछ भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है। तो माइनस 110.5 प्लस माइनस 282.8, तो माइनस माइनस है, ऐड कर लीजिए। तो माइनस 110.5 110.5 प्लस 282.8 393.3 एग्जैक्टली मैच हो गया, माइनस का 393.3 किलो जूल, कोई यूनिट चेंज भी नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज बर्नड एंड ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो ये तो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन है सर, और कोई नहीं, क्योंकि ये बर्न कर रहे हैं। अगर ये वन मोल का फॉर्मेशन कर रहे होते तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता, वन मोल को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन से ही ये मैच हो रहा है और कोई इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67। अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इंटू सॉलिड एंड इज अकम्पेन्ड बाई डिक्रीज इन एंट्रॉपी। ओके सर, लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे हैं, तो लिक्विड को सॉलिड बदलेंगे तो डेल्टा एस तुम लोग जानते हो नेगेटिव आती है। इसका मीन्स ये है कि एस टू छोटा है एस वन से, तो एंट्रोपी में डिक्रीजमेंट हो रहा है। एंट्रोपी में डिक्रीजमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि लिक्विड स्टेट में रैंडमनेस ज़्यादा थी और सॉलिड स्टेट में रैंडमनेस कम है। तो अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड एंड इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी, बिल्कुल सही। अब एसरेशन तो सही है, अगर मैं इसका रीज़न पूछूँ, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन पूछूँ क्या क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। रैंडमनेस लिक्विड स्टेट में ज़्यादा थी, सॉलिड स्टेट में रैंडमनेस कम है, डिसऑर्डर कम है, मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है सॉलिड स्टेट। और ये कह रहा है इन क्रिस्टल यानी सॉलिड मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर्ड मैनर, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगर एक्सप्लेनेशन में ये लिखा होता कि लिक्विड स्टेट हैव मोर रैंडमनेस देन सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट हैव लेस रैंडमनेस, तो बिल्कुल सही रीज़न एक्सप्लेनेशन मैच कर जाता। उतना एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन घूम फिर के बात वही समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेकेंड के साथ चले जाएंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन अगर यहाँ पे ये दे देते कि लिक्विड स्टेट की एंट्रॉपी ज़्यादा है और सॉलिड स्टेट की एंट्रॉपी कम है, तो ज़्यादा एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर पाते। 68 का सेकेंड हो गया और 69 पे आ जाते हैं, नहीं 67 का सेकेंड था, अब 68 पे जाएंगे। 67 का सेकेंड हो गया, 68 पे आ गए। ये देखिए एंथैल्पी, ये हीट ऑफ रिएक्शन है और इसको हम लोग कैसे प्रोनंशिएट करेंगे, तो ये हम लोग एक CH4 को C गैस और 4H गैस में तोड़ रहे हैं। अच्छा, जब भी कभी किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, लेकिन उसको गैस एटम में कन्वर्ट कर दो, तो जो हीट देनी पड़ती है उस सब्सटेंस की हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो ये वन मोल CH4 को
गैस एटम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये सर हमारी डेल्टा एच जो है वो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी। यहाँ पे लिखा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ तो तोड़ रहे हैं, फॉर्मेशन में तो बनाया जाता, हो नहीं सकता। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, उसके लिए रिएक्टेंट साइड पे O2 की नीड थी, वो है नहीं। एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, सबलिमेशन में कोई सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता, वो है नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे। इसलिए क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यानी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। O2 को व्हाट द एंथैल्पी 428 kJ पर मोल स्टैंड। अच्छा अब ये देखो एक और चीज़ आ गई, अब इसमें ये O2 गैस है और ये O2 गैस है, इसका मीन्स है ये O डबल बॉन्ड होगा, ये तो बॉन्ड एनर्जी दिख रही है मुझे, 2O गैस में बदल रहा है। जब भी हम किसी 1 मोल मॉलिक्यूल को या 1 मोल बॉन्ड को गैसियस स्टेट में ब्रेक करते हैं एटम फॉर्म में, तो जो एनर्जी गिवन करते हैं वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, या उसको हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी तो है, एंथैल्पी और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ तो बॉन्ड टूट रहा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो होगा, लेकिन एक शर्त वो भी हो गई हीट ऑफ एटमाइजेशन वाली भी। ये 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल गैस है, अब चाहे 1 मोल सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एलिमेंट हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट साइड पर गैस एटम मिल गए तो उसे हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं। तो ये हीट ऑफ एटमाइजेशन भी हो रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हो रहा है, यानी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी हो रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है सर यूनिवर्स की बात आ गई, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैच होने जा रहा, इस कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस। जो एंट्रोपी का टोटल एंट्रोपी, जो यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी चेंज है, यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, वो हमेशा अगर पॉजिटिव आ रहा है या बढ़ रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे सर ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में नहीं रहा है। अगर कोई दो सब्सटेंस ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ए किसी तीसरे सब्सटेंस सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जब बी और सी एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर प्रोड्यूसेस नॉर डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बट कैन चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो केल्विन पे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे जो है डेफिनेशन है, यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस होते हैं उनकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, या एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आती है, टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आती है। तो ये द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स बढ़ रही है और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट जीरो केल्विन अभी बता दिया, ये कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड और थर्ड दोनों नहीं है, ये है हमारा ऑप्शन सेकेंड, है थर्ड लॉ लेकिन ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, सेकेंड हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बड़ा खतरनाक होता है सर, कभी कभी हम लोग जल्दी में पहला ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट होता है उसी को मार देते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट पूछ रहा। तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ये तो करेक्ट है भैया, एंट्रोपी को एस कहते हैं। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिलेटेड विद द रैंडमनेस ऑफ इट्स पार्टिकल, सही है। डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट वेरिएबल है, पाथ वेरिएबल नहीं है, तो पाथ से तो इंडिपेंडेंट होगा, सही है। तो लास्ट वाला ही बचा फिर इनकरेक्ट। द इंक्रीज इन डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी इज रिलेटेड विद डिक्रीज इन रैंडमनेस, नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एस अगर बढ़ रहा है तो फिर जानते हो डेल्टा एस S2 माइनस S1 होगा,
तो डेल्टा एस अगर बढ़ रहा है यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो एस टू ज़्यादा होगा एस वन से, यानी कि रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72 में फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। 73, हीट ऑफ कम्बशन दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है, कैसे करेंगे? देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मोल लीजिए, बनाइए किससे, कार्बन से और ऑक्सीजन के आधे मोल से, सॉलिड ले लीजिए, जी ले लीजिए, जी ले लीजिए, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO होगा, और ये आपको पता करना है। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, हीट ऑफ रिएक्शन टोटल हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन प्लस टोटल हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ऑक्सीजन माइनस टोटल हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ CO यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब हीट ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन आपको देखिए दी है, क्या कार्बन का दिया, माइनस 393.5 और फिर प्लस O2 का तो जीरो होगा हीट ऑफ कम्बशन, माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना दिया है, -283.5, तो ये -393.5 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 283.5 आ जाएगा, तो कितना 10 उसके आसपास आ रहा, 110 के आसपास, और वो भी माइनस का, तो -110 सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ, तो -110 कर देंगे, -110 और यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल रहेगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, आपने अपने टीचर से ये नहीं पढ़ा है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला, तो आप इसको हैस लॉ से भी कर सकते हैं। अगर आप हैस लॉ से करना चाहते हैं तो आप पहले क्या करिए कि ये कार्बन के कम्बशन की एक रिएक्शन लिख लीजिए, कार्बन का कम्बशन होगा सी सॉलिड प्लस ओ टू जी, दिस गिव्स सी ओ टू जी, और यहाँ पर उसका वैल्यू रख लीजिए, -393.5 मान लो दिया गया, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी आप कम्बशन का इक्वेशन लिख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ओ टू जी, दिस गिव्स सी ओ टू जी, -283.5। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर वन हो गई, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके आप बना लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। तो जब आपको फॉर्मेशन की हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो वन मोल CO प्रोडक्ट साइड पर बनाना होगा C सॉलिड से और हाफ ओ टू जी से। अब जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन होगी वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO होगी जो आपको निकालनी है इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से। तो देखिए आपको कार्बन यहाँ चाहिए और आपको CO नहीं चाहिए, नहीं CO आपको यहाँ चाहिए, यानी कि ये रिएक्शन एज इट इज रहने दें, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें या माइनस कर दें। तो हम लोग ऐसा कर लें, इक्वेशन नंबर वन में से इक्वेशन नंबर टू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये CO2 प्लस इस CO2 माइनस के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, कैंसिल हो गया,
ये 1 O2 में से हाफ ओ टू गया, हाफ ओ टू आ गया, और ये सी ओ माइनस वाला उधर जाके प्लस सी हो गया, ये आ गया। ओवरऑल आपका जो डेल्टा एच आ जाएगा वो आएगा सर डेल्टा एच वन माइनस डेल्टा एच टू। डेल्टा एच वन सर कितना है, माइनस 393.5 माइनस 283.5, तो ये माइनस 110 आ जाएगा। देखो भैया माइनस 110 दिया, हाँ दिया, ये माइनस 110। तो आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सा तरीका सही ढंग से सीखा, आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग देर इज डिक्रीज इन एंट्रॉपी, ठीक है, डिक्रीज वही डेल्टा एन जी से निकाल लो, या ये देख लो कि अगर पोलर साइड पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो एंट्रॉपी बढ़ेगी, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रॉपी घटेगी, इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमको अगर डेल्टा एन जी निकालें, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव आ गया, पहले भी बताया था, तो एंट्रॉपी बढ़ रही है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा, और मुझे क्या चाहिए, एंट्रॉपी घटाना, तो डेल्टा एन जी मुझे निगेटिव चाहिए। यहाँ पर 2 मोल गैस है, यहाँ पे 1 मोल गैस है, तो ये 1 आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें बढ़ रही है, इसमें एंट्रॉपी सर बढ़ रही है, क्योंकि डेल्टा एन जी मेरा आया है पॉजिटिव। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा एंट्रॉपी बढ़ रही होगी। यहाँ पर देखिए 1 गैस और 2 गैस, 2 गैस है और उधर सॉलिड और सॉलिड 0, तो 2 माइनस 0 बराबर +2, दैट मीन्स एंट्रॉपी फिर से बढ़ रही है, एंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव है। H2O लिक्विड इन H2O आइस, ये तो एक फिजिकल प्रोसेस है, तो इसमें आपको पता है कि जब हम लोग गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो एंट्रॉपी डिक्रीज करती है, तो एंट्रॉपी डिक्रीज करें, मुझे यही चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन कर दें। अब इसमें देखो 0 केल्विन से 115 केल्विन हो रहा, तो एंट्रॉपी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रॉपी बढ़ेगी, इस तरह से ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि इसमें एंट्रॉपी बढ़ रही है, तो एंट्रॉपी घट किस में रही है, थर्ड ऑप्शन में। इन करेक्ट फैक्ट जी एच माइनस टी एस होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस नहीं होता है, माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी एनर्जी है मालूम है, माइनस डेल्टा जी बराबर वर्क डन होता है, या डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क डन होता है, और ये क्यू के बराबर होता है अगर आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा तो। गिब्स फंक्शन इज द स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आपने याद किया हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट, मुझे इनकरेक्ट बताना था तो इसलिए मैं सेकेंड ऑप्शन के साथ जाऊँगा। तो उम्मीद है आपने हमारे साथ जो ये सेशन किया इसको इन्जॉय किया होगा, आपको बात समझने का मौका मिला होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। बाकी आगे सर कराएंगे, यानी कि फर्स्ट 25 क्वेश्चन 51 to 75 मैंने कराए, बाकी 76 ऑनवर्ड और सर कराएंगे आपको। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई कमी रही हो, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, तो आपने 51 to 75 तक आपने डिस्कशन देखा सर के साथ, अब आगे 76 to 100 डिस्कशन हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैच द फैक्ट गिवन इन कॉलम 1 विद दीज गिवन इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैचिंग का क्वेश्चन है, सिस्टम और उसके चेंजेबल कैरेक्टर के बीच में ये मेंशन किया हुआ है, और इसमें हमें देखना है कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। चलिए ओपन सिस्टम, देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें अमाउंट और जो हीट है वो दोनों ही एक्सचेंज हो सकता है ना। तो देख लीजिए कौन सा है जिसमें बोथ कैन बी, तो हीट एंड मैटर बोथ कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, तो बेटा पी का सेकंड हो जाएगा, पी का सेकंड हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ हीट एक्सचेंज हो सकती है, मैटर अमाउंट नहीं हो सकता है ना।
तो क्लोज में हो जाएगा ओनली हीट कैन चेंज विथ सराउंडिंग, तो क्यू का बेटा थर्ड हो जाएगा। और बेटा इसके बाद आइसोलेटेड है, तो आइसोलेटेड में ना ही हीट एक्सचेंज कर सकते हो ना ही मैटर एक्सचेंज कर सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो कहता है हीट एंड मैटर बोथ कैन नॉट चेंज विथ सराउंडिंग, तो इसमें जो आर है आर का बेटा पहला हो जाएगा। तो आर का पहला एक ही ऑप्शन में है, ध्यान से देखिए, पी का सेकेंड और क्यू का थर्ड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल था, सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका जिक्र हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 77 की बात करेंगे, डेल्टा एच। देखिए जब हीट की बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को पढ़ा है ना, हीट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में। इसी तरह कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये डेल्टा यू के बराबर हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सीपी माइनस सीवी दिया, तो सीपी माइनस सीवी बराबर रिलेशन होता है आर, हम सब लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना, ठीक। अब एक बात कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम लोग को याद करने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है कि क्यू पी बराबर डेल्टा एच है। तो मैं हमेशा कहता हूँ याद करने की ट्रिक है, एच पी का लैपटॉप आता है ऐसे याद कर लो, और यू के बाद वी आता है ऐसे याद कर लो। तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच के बराबर हो गई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो गई, याद करने का तरीका है। और सी पी माइनस सी वी तो हम जानते ही हैं, तो डेल्टा एच हो जाएगा किसके बराबर, क्यू पी के बराबर। तो ए का बेटा थर्ड हो जाएगा, और बेटा ये बी का फोर हो जाएगा, ए का थर्ड और बी का फोर, ए का थर्ड और बी का फोर देखिए आपको इसमें दिया हुआ है, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, और बेटा डी का वन हो जाएगा। तो डी का वन इस ऑप्शन में दिया है, और क्यू जो है प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो सी आता है हीट कैपेसिटी, तो जो क्यू है वो सी डेल्टा टी के बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से ये बात निकल के आ रही है कि जो D है इसका पहला हो गया है, और जो D है इसका पहला है, A वाले का थर्ड है, B वाले का फोर्थ है, C वाले का सेकेंड है। सो गो विथ सेकेंड ऑप्शन, गो विथ सेकेंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल मैचिंग थी, फिर से एक मैचिंग है, और हमने आपसे बताया है ये दो एक्सप्रेशन आपको हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं अक्सर, और इनका कभी कभी थ्योरी में भी जिक्र हो जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके ठीक बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग कंप्लीट कम्बशन ऑफ वन मोल ऑफ ब्यूटेन। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे, जिसको बनाना है या जिसको जलाना है एक मोल बनाओगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी एक मोल हमें बनाना होता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं तो एक मोल हम सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन के यूनिट्स हैं, बेसिक डेफिनेशन के टर्म्स हैं। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ ब्यूटेन 2658 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड, द थर्मोकेमिकल रिएक्शन आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इतनी जो डेल्टा एच ऑफ कंबशन है वो बेटा कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -2658 किलो जूल एक मोल के लिए है यहाँ। अब यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है, यहाँ पे कितने मोल हैं, दो हैं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ कितने मोल हैं, दो मोल हैं, गलत हो गया। यहाँ पर एक मोल है, बिल्कुल सही है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी इन्होंने दे दी है, -1329 दे दिए, ये भी गलत हो गया। समझ पा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो एक मोल है और ऑक्सीजन का एक्सेस भी है, CO2 वाटर बन रहा है, और एंथैल्पी माइनस की 2658 है, ये बिल्कुल सही हो गया किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया, तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 78। पहला दूसरा गलत हो गया, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है जबकि साफ साफ दिया है रिलीज हो रही है, हीट इज रिलीज। एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो
जनरली निगेटिव होती है तीन केसेस को छोड़कर, N2O, NO और OF2 वाले को छोड़कर, है ना, उनमें प्लस होती है एंथैल्पी ऑफ कम्बशन, बाकी सभी में कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो बेटा ये भी गलत हो गया, तो पहला गलत, दूसरा गलत और चौथा गलत हो गया। तो पहला, दूसरा, चौथा गलत है, तो इसका मतलब सही कौन सा है, इसका मतलब सही थर्ड ऑप्शन है, 78 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना। 79 की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन 1, 2, 3 फाइंड आउट विच ऑफ द अलजेब्रिक रिलेशनशिप 1 से 4 तक आपको बताना है कौन सा सही है। तो ग्रेफाइट फॉर्म दिया हुआ है, O2 से CO2 बना रहा है और इसके लिए एंथैल्पी चेंज x किलो जूल पर मोल है। ग्रेफाइट कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, इसके लिए y किलो जूल है एंथैल्पी चेंज। अब CO प्लस हाफ O2 से CO2 बना रहा है एंथैल्पी चेंज, इसके लिए z किलो जूल है। अब यहाँ पे देखिए आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है आपस में रिलेशन क्या है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें एक बात, अगर एक बात हम ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें, ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा कि सी ग्रेफाइट प्लस हाफ ओ टू ये बना CO और इसके लिए डेल्टा एच कितना है वाई, और नीचे वाला क्या है CO प्लस हाफ ओ टू इसके लिए क्या है CO2 और इसके लिए डेल्टा एच क्या है जेड। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो CO से ये CO कैंसिल हो गया, तो सी ग्रेफाइट अगर हम देखेंगे प्लस O2 हो जाएगा और बेटा ये क्या बन गया CO2 बन गया, है ना। तो अब जो डेल्टा एच आएगा नेट आ जाएगा वो वाई प्लस जेड। और ध्यान से देखो ये जो रिएक्शन दी है यही तो पहली वाली है, यही तो पहली वाली है सर। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, ये एक्स है इसके लिए एंथैल्पी चेंज, तो एक्स बराबर वाई प्लस जेड हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, एक्स बराबर वाई प्लस जेड, एक्स बराबर वाई प्लस जेड, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, 79 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर टेकन एज जीरो, ठीक बात है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है सर, जो डेल्टा एच एफ नॉट की बात हम करते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है। कहते हैं इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। जब 1 मोल सब्सटेंस उनके ऐसे एलिमेंट से बने हो जो अपनी मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो, अगर उनसे बनते हैं 1 मोल, तो जो एनर्जी रिलीज हुई है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे NH3 का फॉर्मेशन हम बात कर रहे हैं तो उसमें वो निगेटिव हो जाएगी, NO की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। फिर से याद रखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए जिसको बनाना है 1 मोल बनाना है, है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर मोस्ट नेचुरल एलोट्रॉपिक फॉर्म या स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इज ऑलवेज निगेटिव गलत, इज ऑलवेज पॉजिटिव गलत, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, बिल्कुल ठीक बात। थर्ड ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 80 में थर्ड ऑप्शन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू। तो देखिए हम एक छोटी सी बात आपसे बताते हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। कहते हैं कि जब जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाए गैसियस में, है ना, और जब एंथैल्पी, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात हो रही है, तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 1 मोल सॉलिड है मेरे पास, वो कन्वर्ट हुआ है, वो
कन्वर्ट हुआ है एक मोल लिक्विड में, और एक मोल लिक्विड है इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है एक मोल गैस में, है ना। तो एक मोल सॉलिड से एक मोल लिक्विड में जो कन्वर्जन होगा उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक है ना, अब ये इतना है, अब एक मोल लिक्विड से एक मोल गैस के लिए जो चेंज होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक। अब आप सब्लिमेशन की बात कर रहे हो, तो सब्लिमेशन मैंने क्या कहा, एक मोल सॉलिड किस में बदल जाए, एक मोल गैस में, तो इसको करने में जो लगेगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या हो जाएगा बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहां से क्या बात निकल के आ रही है कि डेल्टा एस नॉट ऑफ सब्लिमेशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा एस नॉट ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपराइजेशन। समझ पा रहे हैं, मतलब फ्यूजन की इंथैल्पी वेपराइजेशन इंथैल्पी का जो सम होता है वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का सम जो है वो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आगे चलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कहता है आपसे, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। डेल्टा जी की बात कर रहा है, रिवर्सिबल सिस्टम स्पॉन्टेनियस। तो आइए रिलेशन की बात कर लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं गिब्स एनर्जी की। जी बराबर क्या होता था, एच माइनस टी एस। अब डेल्टा जी बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना। अब हम जानते हैं इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हम सब लोग जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है ना। अब देखो डेल्टा जी जीरो फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती ही है। ठीक। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस की बात है। ठीक। तो इस एक्सप्रेशन को हम फिर से लिखते हैं, कौन सा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने इसको फिर से लिख लिया। अब हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होता है, सब लोग जानते हो। अब डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना कम हो जाएगा, तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, और प्रोसेस कौन सी रही होगी, स्पॉन्टेनियस। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं। इसी तरह अगर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हम जानते हैं ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी अब की क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और प्रोसेस अब की कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या आपसे पूछा हुआ है। अब आपसे डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर, ये गलत हो गया, यही आपसे पूछा था, नॉट करेक्ट। डेल्टा तो यही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा वाला है डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस सिस्टम, ये बात गलत है। पॉजिटिव होगा किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। किसके लिए हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। 82 का सेकंड। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में। इफ एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज 1110 एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज 50,000 जूल पर मोल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। देखिए जब रिलेशन होता है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में और एंट्रोपी, क्या होता है आपके सामने, मैं लिख दे रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। ठीक है, आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इन्होंने, तो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी इन वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड। आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है बेटा, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, 50,000।
और ये कितना दिया हुआ 110। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं भैया तो ये आता है 454.5 केल्विन। मैंने बोला ही ये बॉइलिंग पॉइंट किस में आएगा, केल्विन में। सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है, 454.5 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है अपने पास इसका, 83 का सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? सेकंड ऑप्शन के साथ। देख लीजिए, इसी तरह फ्यूज़न के लिए भी होता है, बस बीपी की जगह वहाँ एमपी हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होती है। अब यहाँ पे वेपराइजेशन की बात कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, ठीक है, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट पूछ सकता है। तो ये सब फंडामेंटल फैक्ट हैं जो हमने आपसे बताए हैं क्लास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पे रहा। ये एंथैल्पी चेंज आपको इस रिएक्शन के लिए दिया है। इसके लिए डेल्टा एच कितना दिया है सर? -869.6 केजे। आपसे कह रहा है जी डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, है ना, जब हम इस बॉन्ड के डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो है क्या? तो कहते हैं इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है ना, एक मोल की बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अब रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? 2s2 से क्या बना? 4h गैसियस में चला गया। डेल्टा एच क्या हो जाएगा? +869.6 हो गया। अब ये यहां पे दो मोल है, हमें चाहिए डिसोसिएशन एनर्जी, तो हमें एक मोल के लिए चाहिए, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो से, हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो से। तो कहते हैं डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा 2H। एक मोल की बात हम कर रहे थे, एक मोल, है ना। तो डेल्टा एच अब की कितना हो जाएगा? 869.5.6/2। तो यहाँ से डेल्टा एच जो है ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, कितनी हो गई है? 434.8 किलो जूल। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, देख लीजिए, +434.8 फोर्थ ऑप्शन में दिया है, 84 के लिए फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाना चाह रहे हैं। किसके साथ जाना चाह रहे हैं? फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग जाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में। ठीक, देख लीजिए, एनर्जी गिवन है ना, आगे चलें। चलिए, कह रहा है गिवन दैट, आपको ये दिया हुआ है, आपसे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना मोल बनाना है? एक मोल बनाना है, एक मोल बनाना है। ठीक है ना, अब कैसे बनेगा सर? अब जरा कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिखाई दे रही है? तो कहोगे सर दूसरी वाली है, तो दूसरी वाली है तो आओ लिख लो। रिएक्शन को क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे। रिवर्स करोगे तो क्या होगा? सर हम रिवर्स क्यों कर रहे हैं? अभी बताते हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए डेल्टा एस नॉट क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का वाई के जे। हमको फॉर्मेशन चाहिए, जिसका फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट वाली साइड में होता है, एक मोल होता है। ठीक है ना, अगर हम इसकी बेसिक वो लिखें तो कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म से हाफ ऑफ O2, ये एक मोल हो गया, हाफ ऑफ O2 ले रहे हैं तो ये एक मोल CO बनेगा। तो इसको बनाने में जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो होगी डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO। ठीक है ना, यही तो होती है। ठीक भाई, किसी भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आर एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म। यही तो बात है ना। तो अब यहां पर हमने ये कर लिया, अब हमें एक मोल लाना है, तो एक मोल के लिए दो से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड बाई टू।
तो ये हो गया CO2, ये हो गया CO, ये हो गया हाफ O2, डेल्टा H नॉट है Y बाई टू, ये क्या है Y बाई टू है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हो गई और एक ऊपर वाली हो गई। अब ध्यान से दोनों को देखिए, CO2 इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में है, तो दोनों को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, तो दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो C प्लस O2, CO2 और डेल्टा H बराबर माइनस X है, और इधर क्या है CO2, CO प्लस हाफ O2, डेल्टा H इसके लिए क्या है, डेल्टा H नॉट इसके लिए है Y बाई टू। अब रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया, तो जब हम रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो CO2 से CO2 कट गया, हाफ O2 इधर कट गया, C प्लस हाफ O2 बना क्या बेटा, CO बना, और इसके लिए डेल्टा H नॉट क्या आ जाएगा नेट, माइनस एक्स प्लस वाई बाई टू, मतलब y माइनस टू एक्स बाई टू आंसर आ रहा होगा, y माइनस टू एक्स बाई टू आंसर आ रहा होगा, ध्यान से देख लीजिए, y माइनस टू एक्स बाई टू, एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ है अपने एलिमेंट से जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे y माइनस टू एक्स बाई टू पहले ही ऑप्शन में आपको मेंशन है, ध्यान से देख लीजिए, पहले ही ऑप्शन में आपको ये मेंशन है, y माइनस टू एक्स बाई टू 85th का पहला नंबर हो जाएगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, एक एक बात को अच्छे से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 आपसे कहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए जब इक्विलिब्रियम की बात आती है तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो देखो दो ऑप्शन तो तुम्हारे ऐसे ही गलत हो गए, है ना, और जो फाइनल आता है वो आता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303, ठीक है ना, आर टी लॉग ऑफ के, यही आती है भैया, है ना, यही आती है, देख लीजिए ध्यान से। अब ये आता कैसे, इसका भी पूरा एक फैक्ट होता है, एक रिएक्शन ले सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, रिलेशन होता है, कहते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हम इसको प्रूफ करे दे रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी बेटा क्या हो जाएगा, जीरो, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अगर यहाँ पे रखोगे तो निकलेगा क्या, जीरो बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी ऑफ लॉग के, तो यहाँ से बेटा डेल्टा जी नॉट क्या निकल आया, माइनस 2.303 आर टी ऑफ लॉग के, हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब यहाँ पे भी कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड कुछ सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, कह रहा है अगर के बराबर वन हो जाए तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, आप खुद ही बताओ, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, कह रहा है अगर के ग्रेटर देन वन हो जाए तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, अगर के लेस देन वन हो जाए तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट हैं आपस में रिलेट करके आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, आपसे रिलेट करके उसको पूछ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक, देख लीजिए ध्यान से, हमने सब कुछ बता दिया इसके बारे में, जी कहाँ पे जीरो है, आया कहाँ से ये जो मैंने लिखा है, दो ऑप्शन गलत हो गए थे, क्यों गलत हुए ये भी बता दिया, जो सही है वो क्यों सही है, कैसे आया है, उसमें और कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, उस सारी बातें आपके सामने मैंने लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा सेकेंड ऑप्शन के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 86 में, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात कर रहा है, नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, कहता है जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट,
पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे करते हैं। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, जो वर्क है पाथ फंक्शन है बेटा, पाथ पे डिपेंड करता है। और पीवी कर्व में जो एरिया अंडर पीवी कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, तो वर्क डन कैसा है, पाथ फंक्शन है बेटा, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 87 का थर्ड इजी सवाल था बहुत। 88 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल रिएक्शन। आइसोथर्मल मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अगर हम आपसे बात करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी जो है वो जीरो है, और डेल्टा टी जीरो है तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया, समझ में आ रहा है। अब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हुआ है, क्यू थोड़ी नहीं जीरो, क्यू तो एडियाबेटिक में जीरो होता है, तो क्यू डज नॉट जीरो एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो पहले जहां डेल्टा यू नॉट जीरो है उसको काट दो, अब बचा कौन सा, पहला या तीसरा। अब ये क्यू बराबर जीरो तो एडियाबेटिक में होता है, किस में हो रहा है, एडियाबेटिक में होता है क्यू बराबर जीरो, तो एडियाबेटिक का तो जिक्र है नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। आइसोथर्मल रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल सवाल था 88 का थर्ड ऑप्शन। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CO फ्रॉम ग्रेफाइट, आपको ये दिया हुआ है, आपसे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम ग्रेफाइट की बात करते, ये बना रहा है CO, बना रहा है। अब आपसे इसमें क्या है, क्या आ रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, तो द इंटरनल इनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज के बीच में जो रिलेशन होता है, मैं लिख देता हूं आपको, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यहाँ से होगा क्या, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा एन जी आर टी। सर डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मतलब प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स अगर आप करते हो, तो इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एन जी की बात मैं करता हूँ तो वन माइनस हाफ हो जाएगा, देखो इसके एक मोल है गैसियस, इसके हाफ मोल है, तो सॉलिड में है तो इसे तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी कितना आ गया भैया, हाफ आ गया। तो अब मैं इसको करना चाह रहा हूँ, तो ये हो गया हाफ, आर की वैल्यू क्या है 8.314 इंटू टी की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब इसको काट दें अगर हम 8.314 इंटू 150 अगर हम करेंगे, तो ये जो आंसर आता है सर, हमारा आंसर आता है, ये आता है 1247.1, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, जूल पर मोल की बात हो रही है, तो ये इतना आंसर आ रहा है, तो ये नियर अबाउट 1247 एक ही ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में। तो 89 का बेटा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, इजी था हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर 90, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है, तो मैंने कहा था आपसे बार बार वही बात बोलूंगा, जिसका फॉर्मेशन पूछ रहा है उसका एक मोल बनेगा, बनेगा किससे, उन एलिमेंट से, उनके उन एलिमेंट से जो अपनी स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं HCl की, तो हम बोलेंगे एक मोल बनाना है बेटा, तो हाफ मोल ऑफ H2 प्लस हाफ मोल ऑफ Cl2 क्या बन गया बेटा, एक मोल बनाना है, बार बार इस बात को मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना। अब ये जो होगा यही होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, आपको दिया क्या है, BDE गिवन है, BDE आर गिवन। मैंने आपसे एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था आम तौर पर जब हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं
तो एंथैल्पी चेंज क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये जनरली होता है। लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी और एक बात बताई थी कि जब बॉन्ड एनर्जी दी हो, फॉर्मेशन एनर्जी दी हो, हाइड्रेशन का जिक्र हो, तो वहां पर R माइनस पी हो जाता है। क्या हो जाता है? R माइनस पी हो जाता है। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, मैं पहले लिख भी देता हूं, इफ बॉन्ड एनर्जी, कंबशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी आर गिवन, अगर ये दिया हुआ देन तो क्या होगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा एच आर माइनस एच पी। और इसके लिए याद करिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक आरबीसी हीमोग्लोबिन, आरबीसी हीमोग्लोबिन एक ट्रिक बताई थी। सर ये कौन सी ट्रिक है? आर माने रिवर्स, इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है इसको रिवर्स कर दो, उल्टा पी माइनस आर से आर माइनस पी। कब कर दो? जब बी मतलब बॉन्ड एनर्जी दी हो, जब सी मतलब कंबशन एनर्जी दी हो, जब हाइड्रेशन एनर्जी दी हो, ठीक है ना। तो अब यहां पे तुम्हें क्या दी हुई है? बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, तो पी माइनस आर तो लगाओगे नहीं, क्या लगाओगे? आर माइनस पी। तो डेल्टा एच आप रिएक्शन बराबर डेल्टा एच आर माइनस डेल्टा एच पी। अब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट डिपेंडेंट है, तो ये हाफ मोल है, उन्हें भी इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ एच टू प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच ऑफ सी एल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ एस सी एल, ये हो गया। तो अब हाफ इंटू एच टू के लिए वैल्यू कितनी दी है भाई? 434 प्लस हाफ इंटू इसके लिए वैल्यू कितनी दी है? 242 माइनस इसके लिए वैल्यू कितनी दी है बेटा? 431। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 217 प्लस 121 माइनस, तो अब ये हो गया कितना? ये हो गया 338। ये कितना हो गया? 338 माइनस 431 आएगा माइनस 93 किलो जूल पर मोल, माइनस 93 किलो जूल पर मोल आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या आ गया बेटा? पहला ऑप्शन हो गया। बहुत शानदार बात आपको सिखाई मैंने यहां पर। फिर से बोल रहा हूं, इंथैल्पी चेंज होता क्या है? इंथैल्पी चेंज की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी, कंबशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी दी होती है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। सर ये तो इंथैल्पी चेंज निकला है, आपसे इन्होंने पूछा क्या था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा था। देखिए किसी कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी चेंज होती है ना, जब एक मोल अगर ये बन रहा है तो वो उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी काम करती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आया है, हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप HCl भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक मोल HCl का फॉर्मेशन हो रहा था यहां, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो यहां पे बेटा पहला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला आंसर 90 का, पहला क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो फिर से फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन फिर मैं बोलूंगा कि वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देयर नेचुरल एलोट्रॉपिक फॉर्म, नेचुरल स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक है ना, जैसे कार्बन के लिए होता है ग्रेफाइट, सल्फर के लिए होता है रोम्बिक सल्फर, फास्फोरस के लिए होता है वाइट फास्फोरस, H2 हो गया अपनी फॉर्म में, O2 हो गया, इस तरह से है ना। तो देखो CH4 है, गलत हो गया, एलिमेंट होना चाहिए मतलब यहाँ कार्बन होना चाहिए, अब ये CO है ये भी गलत हो गया, ये डायमंड है, डायमंड स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म नहीं है, ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा? ग्रेफाइट है, O2 है, 2S2 है, और फॉर्मेशन भी हो रहा है एक मोल का, तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 91 में ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पे रहा था, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आपको दी हुई है,
आपसे इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अब फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने कहा था आरबीसी हीमोग्लोबिन रिवर्स कर दो जब बॉन्ड एनर्जी कंबशन हाइड्रेशन दी हुई, यहाँ फॉर्मेशन दी है कोई परेशानी है ही नहीं, रिएक्शन दी हुई है तो डेल्टा एच आप रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आप प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच आप रिएक्टेंट। इधर क्या है बेटा, 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ क्रोमियम प्लस डेल्टा एच ऑफ Al2O3, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू डेल्टा एच ऑफ एल्यूमिनियम प्लस डेल्टा एच ऑफ Cr2O3। अब देखो क्रोमियम के लिए ये क्या है अपनी नेचुरल स्टेट में, तो जीरो हो जाएगी एंथैल्पी। अब इसके लिए Al2O3 के लिए देखो कितनी दिए बेटा, माइनस की 1596 है ना। अब देखो इधर एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसके लिए क्या दिए Cr2O3 के लिए, माइनस ग्यारह सौ चौंतीस, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, माइनस 1596 प्लस 1134 हो गया भैया, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हो मेरे भाई तो ये आता है, ये माइनस का 462 आना चाहिए, फिर भी मैं आपके सामने जो है वो कैलकुलेट करके निकाल ले रहा हूँ जिससे अपना आंसर जो है क्लियर रहे। माइनस 1596 है, कहाँ गया कैलकुलेटर, एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस 1596 और प्लस का क्या है 1134, माइनस का 462 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो माइनस का 462 किलो जूल डेल्टा एच आप रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक ही ऑप्शन आपको है, ये माइनस 462 सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 में, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 93, हैबर प्रोसेस की रिएक्शन दी है डेल्टा एच का रिलेशन डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज के साथ। तो देखिए हम लोग रिलेशन जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, यहाँ डेल्टा यू भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब एन पी जी माइनस एन आर जी, प्रोडक्ट के गैसियस मोल मतलब प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी देखो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के 3 है और रिएक्टेंट के कितने, 1 + 3 = 4, तो डेल्टा एन जी कितना हो गया 2 - 4 मतलब -2, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी में अगर हम रख दें तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस -2 RT मतलब डेल्टा ई -2 RT, ये किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने आ गया है अमोनिया की रिएक्शन के लिए जो दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 93 का सेकेंड ऑप्शन भैया मैच हो रहा है, 93 का सेकेंड ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपसे दी हुई है, तो ठीक है हीट ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है तो हम इसको देखते हैं, SO2 बन रहा होगा 1 मोल, फॉर्मेशन का जिक्र है तो 1 मोल तो लेना ही पड़ेगा, -298 किलो जूल होता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए आपसे यहां पे कह क्या रहा है, अब यहां पे आपसे कह रहा है व्हाट इज अ कंबशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ सल्फर। अब ध्यान से देखो अगर यहां पर, तो यहां पर ऑक्सीजन की बर्निंग आपको नजर आ रही है, ऑक्सीजन की बर्निंग सॉरी सल्फर, यहां पर हमने आपसे एक बात और बताई हुई है, हमने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपको दिया जाए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हम रिलेट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन के साथ, ठीक है ना, हम इसको रिलेट कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन के साथ। आपसे बात मैंने बताई थी कि डेल्टा एच नॉट जो होती है, मैं बता भी दे रहा हूँ कि डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबशन
ऑफ एलिमेंट ये बराबर हो जाती है एन इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ इट्स ऑक्साइड के, जहाँ पे एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ऑक्साइड का ऑक्साइड होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम वन मोल ऑफ एलिमेंट इन इट्स नेचुरल स्टेट। तो यहाँ पे अगर कंबशन की बात करते हैं तो ये हमें कितना दिया हुआ है, एन एक ही मोल तो बना है, तो वन इंटू ये कितना दिया हुआ है -298, तो ये कितना हो गया -298 किलो जूल हो गया। डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबसन, एलिमेंट कौन सा था यहाँ पे, सल्फर था बेटा, ठीक। अब कंबशन इंथैल्पी भी कितने मोल के लिए होती है बेटा, एक मोल के लिए होती है। अब एक मोल सल्फर में कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम में जो हीट रिलीज हो रही है वो है -298 किलो जूल। तो एक ग्राम में कितनी होगी, -298/32, इसलिए कितने ग्राम में, 4 ग्राम सल्फर को हमें -298/32 × 4। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 आएगा, -298/8 ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं फिर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तुरंत आपके सामने, माइनस का 298/8 आंसर आएगा माइनस का 37.25, देख लीजिए माइनस का 37.25 पहले ऑप्शन में ही आपको दिया हुआ है, ठीक है, पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया 94 के सेकंड ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो इसको। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, सीपी और सीवी का रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था, मैचिंग में भी आया था, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल, अभी हम लोग पहले भी इसको डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल था, पहला हो जाएगा 95 का। 96 देखिए क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इतना दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर से कहूँगा कितने मोल के लिए होती है, एक मोल के लिए होती है, एंथैल्पी चेंज आपसे इस रिएक्शन के लिए पूछ रहा है, तो बहुत ही आसान सवाल, हमें NH3 बनाना है कितना, एक मोल, बनेगा किससे, इनके एलिमेंट से ही बनेगा, और किससे बनेगा, +3/2 H2। अब इसके लिए जो डेल्टा एक मोल के लिए है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है बेटा, माइनस का 46 किलो जूल पर मोल, माइनस का 46 किलो जूल पर मोल। अब एंथैल्पी चेंज की बात कर रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, हमने कहा था किसी कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना, उसके लिए कंडीशन भी मैंने आपको लिखवाई हुई है, और एक मिनट रुकें, हाँ ठीक है, तो अब रिएक्शन को रिवर्स कर दें, रिएक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगी रिएक्शन, ध्यान दीजिए, NH3 इधर आ गया, हाफ N2 +3/2 H2, अब डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा इसके लिए, प्लस का 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मल्टीप्लाई/2 कर दें तो ये हो गया 2NH3 = N2 + 3H2, डेल्टा एच नॉट बराबर हो जाएगा 46 × 2, मतलब 92 किलो जूल, कितना हो जाएगा 92 किलो जूल। सेकेंड ऑप्शन 96 का क्या हो जाएगा भैया, 96 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, बहुत ही आसान है। मैंने फिर आपसे कहा कि इसके क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जा सकते हैं, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इनके तमाम सारी बातें जो हैं वो आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं।
इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है? चलिए चलिए बेटा, ठीक। तो 92 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन 96 का। क्वेश्चन नंबर 97, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर रहा है। एवोल्यूशन ऑफ हीट डेल्टा एच शुड बी माइनस, है ना? तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये प्लस है, उधर जाके माइनस होगी, तो इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो 180.8 किलो जूल, मतलब ये एंडो हो जाएगी। ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगी, जब रिलीज होगी तो डेल्टा एच हो जाएगा माइनस का 92, यही हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? अब ये माइनस की 131 है, डेल्टा एच इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस का 131.1, तो ये एंडो हो जाएगी। इसी तरह ये माइनस का 91.9 है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस का 91.9, ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगी। आपसे पूछा है एक्सोथर्मिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन है, ये सेकेंड रिएक्शन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पे रहा। H2 और Cl2 जोड़ के 2HCl बना रहा है, और डेल्टा एच इसके लिए क्या है, 194 किलो जूल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है, फॉर्मेशन होगा तो एक मोल बनेगा, एक मोल के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ H2 प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl, और कितना बेटा, एक मोल। तो अब डेल्टा एच जो होगा वो क्या हो जाएगा इसके लिए, 194/2, तो ये हो जाएगा 97 भैया, KG 97। अब एक मोल के लिए है तो यही क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, देख लीजिए, ठीक है बेटा? तो 98 का बेटा क्या हो जाएगा, 98 का सेकंड ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल स्क्रीन पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है। वैल्यूज ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इतनी है, और हीट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए। SO2 दिया है, प्लस ऑफ हाफ ऑफ O2 दिया है, ये बनाएगा SO3, आपके सामने है ये, ठीक है, आपके सामने है SO3। अब इसमें हमें करना क्या है, कहता है कि इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन बताइए क्या है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, फिर से मैं कहूँगा, तो ये होगा क्या, डेल्टा HP माइनस डेल्टा HR, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आप SO3 माइनस डेल्टा एच आप SO2 प्लस हाफ इंटू डेल्टा एच आप O2। तो ये तो अपनी नेचुरल स्टेट में इनके लिए एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगा O2 के लिए। अब बचा SO3 वाला, कितना दिया है बेटा आपको, SO3 वाला दिया है माइनस 98.2, और माइनस का ये कितना दिया है, माइनस का 298.2 प्लस 1/2 इंटू जीरो, तो ये हो गया माइनस का 98.2 प्लस का 298.2, तो ये हो गया 200 kJ, 200 किलो जूल पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 99 में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 99 में पहला ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक। आइए आगे चलेंगे, आखिरी सवाल। कैलकुलेट द वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर। तो ये आपको दिया हुआ है, तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो वर्क डन होता है वो होता है -2.303 nRT log of V2/V1। लेकिन जब प्रेशर दिया होता है तो होता है -2.303 nRT log of P1/P2 माइनस का 2.303 n, कितना दिया हुआ है 1 मोल, R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू 273 दी हुई है, और यहाँ पे लॉग हो गया। P1 कितना है,
वन बार, ये हो गया वन अपॉन 0.1। तो अब ये सॉल्व अगर हम करेंगे तो माइनस 2.303 इंटू, तो वन से तो वही हो गया 8.314 इंटू 273 इंटू लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 273। अब इसको सॉल्व करना है और आंसर आना है, तो आंसर आएगा माइनस का 5227.16 जूल। ये आंसर यहाँ से निकल के आता है, मतलब नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पहला ऑप्शन आपको मैच होता हुआ आ रहा है नज़र, ठीक है। तो लीजिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 100 का। इसी के साथ डिस्कशन हुआ पूरा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा हमेशा की तरह हर डिस्कशन से, इस डिस्कशन में भी, ठीक। तो लगे रहिए, जुटे रहिए, मुलाकात होती है फिर से किसी अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, थैंक यू सो मच।